हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑन इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा क्लास है ये, सेकंड क्लास, एंड इट इज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने कि जितनी भी गवर्नमेंट आज की डेट में पॉलिसीज या स्कीम्स लॉन्च कर रही है उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। सो दे हैव एनालाइज्ड one thing in detail, that is the behavior, the social and the psychological behavior of the people. So the second chapter is on nudge theory. देखिए, government बहुत सारी policies लेके आती है, education का policy, health का policy, फिर उसके बाद में आपका income tax का policy, फिर उसके बाद में subsidy का policy. तो ये सारी policies government time by time लेके आती रहती है, but when it comes to the effective implementation, इनका effective implementation कैसे हो public policy का, ये बहुत बड़ा challenge रहता है। कई बार ही government schemes लेके आएगी, उसको they will try to implement the schemes, but वो schemes result yield नहीं करती हैं। बहुत बहुत साल हम उन schemes को continuity में चलाते रहते हैं, 20-20 साल, 30-30 साल वो schemes चलती रहती हैं, government का बहुत सारा पैसा खराब होता रहता है, but at the end उनका कुछ भी रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं निकलता है। बट नाउ दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे इट हैज टॉक्ड अबाउट कि गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 साल में किस तरह से अपनी अप्रोच को चेंज किया है, किस तरह से अपना इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी को ऑल्टर किया है और मॉडिफाई किया है, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव बीन एबल टू यील्ड इफेक्टिव रिजल्ट्स। 2-3 स्कीम्स का एनालिसिस किया है इकोनॉमिक सर्वे के सेकंड चैप्टर ने। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका इन्होंने एनालिसिस किया है, दैट इज स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, देखिए 2 पैरामीटर्स को इन्होंने डिस्कस किया है। द फर्स्ट पैरामीटर इज ओपन डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन, एंड ओपन डेफिकेशन को इन्होंने 2014 का ओपन डेफिकेशन इंडिया का सिनारियो कंपेयर किया है, एंड दे हैव कंपेयर्ड इट विद 2018 सिनारियो। 2014 में हिंदुस्तान में कितने लोग खुले में शौच करते थे, और आज की डेट में ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट्स कितनी बन चुकी हैं। अगर दोनों का हम एनालिसिस करते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ने किया है, अगर हम उसको देखते हैं तो बहुत बड़ा एक बहुत सब्सटेंटिव रिजल्ट है जो यील्ड किया है। आज की डेट में वी हैव टेंटेटिवली अबाउट 92% ऑफ द विलेजेस दैट आर ओपन डेफिकेशन फ्री। ये बेसिकली पॉसिबल कैसे हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन नजिंग द पीपल, नजिंग द पीपल। देखिए व्हाट इज नज, नज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऑप्शंस रहती है किसी भी स्कीम को इंप्लीमेंट कराने के लिए। पहली ऑप्शन तो रहती है गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। सेकंड ऑप्शन दैट प्रेजेंटली नाउ द गवर्नमेंट हैज इज टू नज द पीपल। नज का मतलब होता है थोड़ा सा उनका बिहेवियर ऑल्टर और मॉडिफाई करना, और लोगों का बिहेवियर किस तरह से हम ऑल्टर एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उनको बेनिफिट्स बता सकते हैं कि ओपन डेफिकेशन ना करके क्या बेनिफिट्स होंगे, उनकी हेल्थ किस तरह से ठीक हो गई। सिर्फ नॉर्मल चीजें अगर हम बात करेंगे उनको कि दैट ओपन डेफिकेशन ना करके उनका हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, तो उनको समझ नहीं आएगी। उनको बहुत इनडेप्थ चीजों को समझाना पड़ता है किस तरह से उनका हेल्थ खराब होगा। खुले में शौच करेंगे वहां पे मक्खियां आएंगी, एंड वही मक्खियां उनके खाने पे बैठेंगी। इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे ने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से जो स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब किया गया है वो बहुत सारे वॉलंटियर्स थे। उन वॉलंटियर्स ने लोगों के पास जा जाके, 50,000 वॉलंटियर्स ने लोगों के पास जा जाके उनको इंपॉर्टेंस बताया है और उनका बिहेवियर ऑल्टर किया है। दिस इज नजिंग द पीपल, मेकिंग पीपल प्लायबल टू एक्सेप्ट दैट दे शुड बी मॉडिफाइंग एंड ऑल्टरिंग देयर बिहेवियर। वो अपना सोशल
नॉर्म्स को चेंज करें, वो अपना बिहेवियरल नॉर्म्स को चेंज करें। अगर आपके सोशल नॉर्म्स चेंज होंगे, अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। दिस इज वन थिंग, स्वच्छ भारत अभियान, ओपन डेफिकेशन फ्री उन्होंने कर दिया। सेकंड, स्वच्छ भारत अभियान के अंडर लोग जिस तरह से अपना वेस्ट है, उन लोगों को भी प्रमोट किया गया है कि वो अपना वेस्ट डिस्पोजल अच्छी तरह से करें। अलग अलग तरह के डस्टबिन का कलर कर दिया गया है एंड अकॉर्डिंगली उन डस्टबिन को यूज करने के लिए बोला गया है, एंड वो भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। वो जो सेकंड कंपोनेंट है जो स्वच्छ भारत अभियान के अंडर, उसको ऊपर इस इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस, दैट इज वेस्टेज, वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो आज की डेट में इंडिया में चल रहा है, उसमें नज थ्योरी ने किस तरह से काम किया है, किस तरह से लोगों के दिमाग में घुस के, लोगों को इन्फ्लुएंस करके, लोगों के सोशल बिहेवियर को ऑल्टर एंड मॉडिफाई करके हम स्कीम्स को कामयाब गवर्नमेंट ने किया है। सेकंड स्कीम इज बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देखिए, ये स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू किया पानीपत से। पानीपत एक ऐसा शहर है जिसमें पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो का प्रॉब्लम है, सबसे कम लड़कियां हैं पानीपत में। अगर 1000 लड़का देखा जाए, उसके कंपैरिजन में सबसे कम लड़कियां हैं। तो ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया गया पानीपत से, एंड वहां से कहा गया दिस इज द फोर्थ बैटल ऑफ पानीपत। तो ये एक सोशल मैसेज गया सोसाइटी को। बेसिकली ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, अगर आप पॉलिसीज को कामयाब करना चाहते हैं, आपको लोगों की साइकोलॉजी को हिट करना पड़ेगा, लोगों के सोशल बिहेवियर को हिट करना पड़ेगा। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अलग से मार्केट किया गया इस स्कीम को, और उसको नाम दे दिया गया बदलाव। बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बेटी को प्रमोट किया जा रहा था, एंड सेकेंडली लोगों के सोशल बिहेवियर को अल्टर किया गया ये कह के सेल्फी विद डॉटर। बहुत लोगों ने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी शेयर किया, उनका बिहेवियर चेंज हुआ, उनका सोशल सिस्टम चेंज हुआ, सोशल नॉर्म्स चेंज हो गए, और उसी की वजह से हरियाणा का जो सेक्स रेशो है वो इंप्रूव हो गया, जो राजस्थान का सेक्स रेशो है वो इंप्रूव हो गया। सो ये जो चैप्टर है, ये दो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं, आप एग्जाम में लिख सकते हैं, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इकोनॉमिक्स में अगर आप पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको लोगों की साइकोलॉजी और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कि गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स लेके आ रही है उनके नाम गवर्नमेंट ने इस तरह से रखे हैं ताकि लोगों को इंटरनलाइज हो जाए, लोग अपने जहन में चीजों को उतार ले। जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम आ गया, जनधन योजना आ गया, मुद्रा स्कीम आ गया, तो ये सारी स्कीम्स के जो नाम है पहले से चेंज करके उनको सोशली एक्सेप्टेबल एंड सोशली अंडरस्टैंडेबल बनाया गया है, एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ बिग इंपीटस इन मेकिंग दीज स्कीम्स क्वाइट सक्सेसफुल। नाउ दिस थ्योरी, नज थ्योरी, इट हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बट नाउ दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहे, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे, कि और बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का टैक्स का स्कीम। लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, आप इस स्कीम को लगाइए, और एक जगह पे और कामयाब हो गया ये वाला स्कीम। बहुत लोग जो अमीर लोग हैं वो भी सब्सिडी लेते थे सरकार से सिलेंडर का, एंड गवर्नमेंट ने कंपेन चलाया गिव अप द सब्सिडी, एंड उस सब्सिडी की कंपेन की वजह से लोगों ने इंटरनलाइज किया, लोगों ने सोचना शुरू किया कि हां मुझे सब्सिडी को छोड़ना है,
So this is all about this class, about nudge theory. You will definitely get a question on this nudge theory, and you must know few of the examples. इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे हम पूरा कंटेंट भी इकोनॉमिक सर्वे का शेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. उसको भी ज़रूर रीड कीजिए, एंड बहुत ज़्यादा क्वालिटी का वीडियो बना रहे हैं हम. एंड डू शेयर दीज वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे.